राजगढ़ जिले के ग्राम रनारा थाना छापीहेड़ा के लक्ष्मी नारायण पिता गुलाब दांगी को शाजापुर के निजी चिकित्सालय संस्था सिटी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान पलंग से बांधकर रखने के कारण सिटी हॉस्पिटल को जारी लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा आगामी आदेश तक निलंबित किया गया है। साथ ही संबंधित संस्था के प्रबंधक नितेश शर्मा, पिता नारायण शर्मा निवासी गैस गोडाउन शाजापुर के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 342 के तहत कोतवाली थाना शाजापुर में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा सिटी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर वरुण बजाज की उपस्थिति में अस्पताल के कक्ष क्रमांक 1 से 6 को सील कर आगामी आदेश तक अस्पताल के संचालन पर रोक लगाई है। कलेक्टर दिनेश जैन ने बताया कि विगत दिनों समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनल्स पर जिला मुख्यालय की निजी चिकित्सा संस्था सिटी हॉस्पिटल में राजगढ़ जिले के लक्ष्मी नारायण को इलाज के दौरान पलंग से बांधने संबंधी समाचार प्रकाशित एवं प्रसारित हुआ था। उक्त समाचारों को शिकायत मानते हुए जिला प्रशासन ने घटना की जांच के लिए अनुविभागीय अधिकारी के नेतृत्व में संयुक्त जांच दल बनाया। इसके साथ ही लक्ष्मी नारायण एवं उनकी पुत्री तथा अन्य गांव वालों के बयान दर्ज करने के लिए शाजापुर से एक मजिस्ट्रेट को राजगढ़ जिले के ग्राम रनारा भेजा गया था। दल के द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के अनुसार पैर बांधने की घटना प्रथम दृष्टया सत्य पाई गई है। इसे देखते हुए सिटी हॉस्पिटल के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कराई गई है। आपको अस्पताल में क्यों रखा और आपको बांध क्यों रखा आप बता सकते हैं? क्यों बांध रखा आपको? पैसा लेने के लिए। अच्छा, पैसे नहीं दिए तो आपको बांध के रख लिया? पैसा नहीं है साहब, हमें छुट्टी कर दो, पैसा तो यार ऐसे नहीं माने। हाँ, तो उन्होंने छुट्टी नहीं करेगा, फिर नहीं मांगा कर लिया। क्या बोले डॉक्टर साहब आपको? हमने खींचे की मुझे खींची साहब छुट्टी कर दो। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण। कहाँ से आए हो? राजगढ़ जिला के पास। ठीक है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.